प्यारे दोस्तों, थोड़ा सब का यूट्यूब चैनल लर्नर्स बोहा ते स्वागत है। एनटीटी जो मैथ दे लैक्चर दी असी एक सीरीज की शुरुआत की थी, अज उसका मैं लैक्चर नंबर 3 लेके आया हाँ। अज का लैक्चर भी बहुत अहम होने जा रहा है। जिन्होंने हले तक के चैनल सबसक्राइब नहीं किया, चैनल सबसक्राइब कर दिया करो, लाइक ते कमेंट कर दिया करो, वीडियो शेयर कर दिया करो। इन्हें नाल सानू हौसला मिल जाता है काम करने का, ते जे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो काम करने हौसला नहीं मिलता। सो चलते हैं अज के लैक्चर पर। समझने की कोशिश करांगे जिन्होंने बारे सानू अक्सर ही भुलेखा बनिया हुआ है। छोटे होंदे भी एक ही गल साडे दिमाग च कि घटाव ते घटाव जोड़ हुंदे आ, ऐदां नहीं हुंदा। ये की हुंदा है आपां समझण दी कोशिश करदे हां। संख्या रेखा ते देखो एक पासे पॉजिटिव नंबर हुंदे आ, जिवें जिवें सज्जे पासे जाइए 1 2 3 4 5 6 7, इधर नैगेटिव हुंदे ने खब्बे पासे जांदे हां नंबर घटदे जांदे ने। जे मैं कहां कि घटा 5 ते 4 दे विचों वड्डा किहड़ा है, तां अक्सर ही आपां भुलेखा खा जांदे कि आ ना वड्डा होवे। जिहड़ी चीज खब्बे पासे पई है छोटी है, जिहड़ी सज्जे पासे पई है वड्डी है। ते आ निशान तुहानू पता ही है कि 4 इज ग्रेटर दैन माइनस 5। जे हुण मैं कहां कि घटा 3 ਅਤੇ ਘਟਾ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਘਟਾ 3 ਖੱਬੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਘਟਾ 2 ਸੱਜੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਬੈਗ ਰਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 7-5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ 0 ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਜੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣੀ 3 ਤੇ ਜੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਜੋੜਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਨਾ? 4 ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਕਦਮ ਸੱਜੇ ਆਉਂਗੇ, 1 2 3 4, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 7 ਆਉਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, 5 ਘਟਾ 3, ਹੁਣ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ? 5 ਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ? 3 ਕਦਮ, 2 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਘਟਾ 4 ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ? 3 ਘਟਾ 4, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ 2 ਢੰਗ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? 3 ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਘਟਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਖੱਬੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਜਾਵਾਂਗੇ? 4 ਕਦਮ ਜਾਵਾਂਗੇ, 1 ਕਦਮ 2 ਕਦਮ 3 ਕਦਮ 4 ਕਦਮ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਘਟਾ ਦੇ 1 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ।
हुण तीन चीजां तुहाडे कोल है, चार चीजां तुसीं देणियां ने। जदों तुहाडे कोल तीन है, एक देती दो देतियां तीन देतियां, तीन घटा तीन तुहानूं पता जीरो हुंदा। पर एक चीज हाले होर भी आपां देनी पऊगी, जिहड़ी देनी पऊगी उह की हुंदी है, नैगेटिव हुंदी है। तां घटा दा एक इहदा की आ गया उत्तर आ गया, इहनूं इस तरीके भी समझ सकदे। जे मैं कहां घटा पंज जोड़ तीन, घटा पंज कित्थे पिआ? इत्थे पिआ। इह किन्ने जोड़ने ने? तीन जोड़ने ने। किहड़े पासे जोड़ांगे? सज्जे पासे। एक जुड़दा सज्जे पासे है, घटदा खब्बे पासे है। एक कदम, दो कदम, तीन कदम, कित्थे पहुंच गए? घटा दे दो। हुण इसनूं भी उस तरीके पढ़िया जा सकदा जिवें आह सी, प्लस आ तीन अगे लै लो, जो कोई निशानी नहीं तो अगर प्लस ही होंगे, जो अखर अगर कोई निशानी नहीं पॉजिटिव है। घटा का पंज, असल आ चीज से आ चीज एक ही गल है, तीन चीजा है पंज देनिया ने, प्लस तीन तीन है पंज देनिया ने, पर तीन तो दे देवे, जी दो होर देनिया रह गई वह नैगेटिव देती। फिर एक गल होर, मान लो तुम घटा तीन से हो, तीन होर घटाने, तीन तो तुम पहले ही हो, तीन होर घटाने, ठीक है, तो घटावे कि खब्बे पासे। देखो घटा तीन तो तुम खड़े हो, आ घटाने असं खब्बे जावे, किन्ने कदम जावे? तीन कदम जावे। कितने पहुंच गए? घटा छे। फिर थोड़े वाली गल हम गलत हो गई, जो तुम कहने घटा घटा जोड़ू ही कह, घटा घटा जोड़ कदों हो? घटा घटा तो घटा ही हो गया, मूँह तीन तो तीन छे हो गए, ठीक है। आंसर की है? नैगेटिव है। फिर दूजे तरीके समझो, तीन चीज़ा थोड़े को देनिया सी, तीन होर देनिया हो गई, तीन उधार तो पहले ही थोड़े से, तीन की उधार होर हो गई, उधार किन्ने की होगी? छे की होगी। तो ही करके उधार वाला नैगेटिव लाता। आप बैंक की स्टेटमेंट देखिए, कदे जो पैसे खाते चो निकलते हैं तो घटा छूँदे है, जो जुड़ते हैं तो पॉजिटिव होंगे है, बस उ चीज है, तो होर कोई फर्क नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड से तीन रुपया पहले ही देने, तीन रुपये होर देने हो गए, तीन हो गए घटा दे छे हो गए। इन्हों सारे चीज़ों के सिट्टा कढ़ते हो, हर एक चीज़ होर दसनी है, इन सिट्टा तुम ये कढ़ते हो कि चलो दो पॉजिटिव जोड़नियाँ बहुत सौखी, पॉजिटिव के बचों नैगेटिव करना सौखा है, पर देखना की है आ चीज़ तो देखो कुछ न दसन की लड़ ही। हूँ जो एक चीज़ पॉजिटिव है एक नैगेटिव है, दो चीज़ों में असं जोड़ रहे हैं, एक चीज़ पॉजिटिव है एक नैगेटिव है, उदों असं किवें करांगे? असं देखांगे कि वड्डी कि है, पॉजिटिव वाली वड्डी है कि नैगेटिव वाली वड्डी है। जो पांच घटा तीन किया आ पॉजिटिव है जोड़ती है, आ नैगेटिव है, वड्डी कि आड्डी है, तो जो उत्तर आऊगा वड्डी वाला आऊगा, पॉजिटिव आऊगा। आंसर कि आऊगा? पॉजिटिव। करा कि जो एक पॉजिटिव एक नैगेटिव है, वड्डी रकम की छोटी रकम घटा देंगे, पांच चो तीन कटे दो कहते जोड़ दी, तीन चो चार घटाए, तीन चो चार घटाए, आ पॉजिटिव है आ नैगेटिव है, बटा कि नैगेटिव। आंसर का चाहू नैगेटिव, चार चो तीन घटा लो एक, इस तरीके भी समझा जा सकता है। घटा पांच जोड़ तीन, घटा पांच जोड़ तीन, नैगेटिव वड्डा कि पॉजिटिव वड्डा? नैगेटिव वड्डा। आंसर नैगेटिव, पांच चो तीन घटे दो, घटा तीन ते घटा तीन, घटा तीन ते घटा तीन। हुण इह समझो, जदों दोनों नैगेटिव होण तां पहलां दोनों जोड़ दो, तीन ते तीन छे, पर निशानी कहदी होगी? घटा। इन्नी कु गल तुहानूं समझ आई होगी। नंबर लाइन ते कुछ गल्लां आपां होर भी समझणियां ने जिहड़ियां बहुत जरूरी ने, वो गल्लां की ने आपां संख्या रेखा नंबर लाइन द्वारा ड्रा करते हैं। आ सिफर है, एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच माइनस छे, ये आपां इदां लिख लिख ले।
हूं तक आप सिंपल जोड़ हूं आप नैगेटिव चीजा का जोड़ ते नैगेटिव चीजा की घटा बारे समझना है। जो आप आम अखर जोड़ते सीगे सज्जे आम जानी जोड़ वाला अखर घटाते खब्बे पर जब कोई घटा दी रकम कोई घटा दी रकम जोड़नी है या घटानी है तो उल्ट जो घटा दी रकम जोड़ांगे तो खब्बे घटा दी रकम घटावे तो सज्जे हम ये कहता मैं लिखा पांच जोड़ घटा दा तीन हूं जोड़ रहे हैं वैसे तो सज्जे या नहीं जोड़ के पर की घटा दी रकम जोड़ रहे हैं तो जो घटा दी रकम जोड़नी है तो किधर जावे आप खब्बे पांच से खड़े हैं किन्ने कदम खब्बे तीन कदम खब्बे आंसर आ गया दो पांच घटा घटा दा तीन पांच घटा घटा दा तीन जो तो घटा ली रकम घटानी है घटा घटा तो आप खब्बे जाते थे पर हूँ कि रकम घटा ली रकम घटा रहे हैं माइनस वाली रकम माइनस कर रहे हैं नैगेटिव रकम माइनस कर रहे हैं हूँ किधर जावे आप सज्जे जावे पांच दे खड़े हैं एक दो तीन अठ जो असं गुणा का कंसैप्ट किया तो इस चीज़ को एक तरीके मैं होर डिफाइन करूंगा तो कंसैप्ट मजबूत हो जाएंगे। जे मैं कह घटा तीन जोड़ घटा दा तीन घटा तीन देखना जोड़ना की जोड़ना घटा दा तीन घटा ली रकम जोड़ा किधर आवे खब्बे के सज्जे जो सिंपल रकम जोड़ते तो सज्जे जाते हूँ जावे खब्बे तो हूँ कितने आ गए घटा दे छे घटा तीन जोड़ घटा घटा दा चार घटा दे तीन दे खड़े हैं ये स्पष्ट है घटाने वैसे आप खब्बे पासे जाते घटाते क्योंकि घटाने घटा ली रकम तो किधर जाओगे सज्जे पासे किन्ने कदम चार कदम एक दो तीन चार किन्ना आ गया प्लस का एक आ गया फिर करना ढंग ढंग की है ये करना ढंग है कि जो ब्रैकेट के जोड़ हो सॉरी ब्रैकेट के घटा हो बाहर जोड़ पे तो यह दोनों निशानियां इकट्ठी होकर घटा बन जाएंगे ब्रैकेट के घटा पी है अंदर भी घटा है एक तरह की गुणी है जोड़ तो घटा दी गुणा घटा होती है घटा तो घटा दी गुणा जोड़ होती है बस ऐसे तरीके को समझो पांच जोड़ते घटा घटा तीन पांच तीन कटे दो सब की गल पांच घटा तो घटा जोड़ तीन अठ घटा तीन जोड़ जोड़ते घटा घटा तो की हो गया इतने घटा हो गया ये आप किते ही घटा तीन से घटा तीन घटा दे छे घटा तीन घटा ते घटा जोड़ हूँ वाडा कड़ा जोड़ता कि घटा रहा जोड़ता आंसर जोड़ चल चार चौ तीन कटा एक ये गल भी तुम शायद समझ आ गई होगी मैं कह के रहा इस तो अगली गल हम आप समझ की कोशिश करते हैं जदों दो तो वह रकम हो जोड़ तो घटा रही उदों की करोगे घटा का सताई जोड़ का उनताली घटा का पैंती जोड़ तीन घटा अठ घटा छे घटा पांच हूँ की करोगे जो तुम इसको सिंपलीफाई करना है तो सिर्फ घटा वाली रकम अड कर लो जोड़ वाली रकम अड कर लो घटा वाली कड़ी ने घटा सताई है घटा पैंती है घटा अठ है घटा छे है घटा पांच थोनू पता है कि दोनों रकम घटा दी हम मान लो तो जुड़ जाए तो निशानी कर ही आ जाती है घटा इस तरीके ये सारिया जुड़ जाएगियां सत्त पांच बारह अठ भी छे छब्बी पांच इकत्ती तीन दो पांच तीन अठ आंसर कर आज घटा इनू 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 सॉल्व करके माइनस का एटी वन बन गया रह कि प्लस का उनताली प्लस का तीन जोड़ना तो आई है उनताली तीन बयाली हूँ देखो बयाली जोड़ दिया इक्यासी घटा दिया तुहाडे कोल चीज़ा एक गल समझ लो जो पॉजिटिव चीज़ चो नैगेटिव चीज़ वड्डी हो जाए थोड़े को चीज़ा घट ने देनिया तुसी वध ने तां आंसर कहा चाहूगा
नेगेटिव आऊगा। किवें कटांगे? 82-42 कटा लो, बस सिंपल। 82 वड्डी रकम तो छोटी रकम कटा लो, पर आंसर नेगेटिव आऊगा क्योंकि नेगेटिव वाली वड्डी सी। 9-3 तां कटावा 39 किया गया, उत्तर आ गया। तुहानू शायद ये गल भी समझ आई होगी। इस नूं मैं थोड़ा होर डिफरेंट तरीके नाल लिखा जे मैं घटा 37 जोड़ घटा दा 6 घटा घटा दा 5 घटा 4 जोड़ 3 घटा 9 जोड़ घटा दा 6 घटा घटा दा 5। सब तो पहला आप ब्रैकेट सॉल्व करांगे। बॉड मास नाल एक रूल हुंदा है, तां जदों भी ब्रैकेट आएगी ब्रैकेट नूं हल करांगे आप। बी ते ब्रैकेट हुंदा है, ओ ते ऑफ भी कह लैंदे आप, ऑर्डर भी कह लैंदे, किथे वरतां बाद दसांगे। डी ते डिवीजन वंड, एम ते मल्टीप्लीकेशन गुणा, ए ते एडिशन, एस ते सबट्रैक्शन। एडिशन जोड़ सबट्रैक्शन घटा मल्टीप्लीकेशन गुणा। तो पहला आप ब्रैकेट हल करांगे। इत्थे घटा दा 37 आ जोड़ है, ब्रैकेट दे विच घटाया कि उह जोड़ घटाया घटा, आ घटाया कि हो गया जोड़। आ घटा दा 4 मिलिया जी, 3 मिलिया जी, घटा दा 9 मिलिया जी, जोड़ घटा घटा 6 घटा घटा जोड़ 5। हुण जोड़ वाले लग छाड़ दो, घटा वाले लग छाड़ दो। पहला घटा वाले देखो किन्ने, घटा दा 37 है, घटा दा 6 है, घटा दा 4 है, घटा दा 9 है, घटा दा 6 है। 7 6 13 4 17 9 26 36 32 300 3 3 6 कारे घटा दे, घटा दे तो हो गए 62। जोड़ दे कि लै गए, जोड़ दे मतलब 2 5 10 3 13 13 जोड़ दे। हुण फिर घटा वाला वड्डा है, जोड़ वाला छोटा है, तो 13 चो 62 तक घट देनी जे, 62 चो 13 घट जाएंगे, फिर उत्तर का घटा चाहो 62 दे विचों 13 घटा लो। घटा दे 49 माइनस 40 नाल किया गया तुहाडा आंसर आ गया। अमीर करदा ये गल भी तुहाडे समझ आ गई होगी। वैसे बॉड मास की असली वरतों तुहानू बाद दसांगे, बॉड मास जदों आपां सिंपलीफाई करना है उदों उहदी वरतों किथे होगी। एक बारी क्योंकि चलदी गल च ब्रैकेट आ गई सी तुहानू दसना पिया। हुण आ गई गुणा, हुण की आ गई गुणा। गुणा पॉजिटिव दी गुणा पॉजिटिव नाल पॉजिटिव हुंदी है, पॉजिटिव दी गुणा नैगेटिव नाल नैगेटिव हुंदी है, नैगेटिव दी गुणा पॉजिटिव नाल नैगेटिव हुंदी है, नैगेटिव दी गुणा नैगेटिव नाल पॉजिटिव हुंदी है। हुण इत्थे हुंदा घटा घटा प्लस, ओ जोड़ घटा वेले नहीं हुंदा, गुणा वेले हुंदा। जे मैं लिखा घटा 3 गुणा 4 4 गुणा 4 5 गुणा घटा 4 घटा 4 गुणा घटा 4। हुण इत्थे इहनूं समझण दी कोशिश करो की कर रहे, गुणा कर रहे। जदों गुणा करिए एक गल समझ लो, नंबर दी गुणा नंबर नाल, संख्या दी गुणा संख्या नाल, साइन दी गुणा साइन यानी पॉजिटिव या नैगेटिव, साइन दी गुणा साइन नाल, ऐ होऊगा बस सीधी गल। 3 दी गुणा 4 नाल 12, आ पॉजिटिव है आ नैगेटिव है, पॉजिटिव ते नैगेटिव दी गुणा नैगेटिव घटा दा 12। 4 दी गुणा 4 नाल 16, आ भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव पॉजिटिव, अगे पॉजिटिव लाउण दी लोड़ नहीं हुंदी, अपने आप ही स्पष्ट है कि पॉजिटिव है। 5 दी गुणा 4 नाल 20, आ पॉजिटिव है आ नैगेटिव है, पॉजिटिव नैगेटिव दी गुणा नैगेटिव, 4 गुणा 4 16, नैगेटिव दी गुणा नैगेटिव नाल पॉजिटिव, गुणा वेले आए हुंदा है। समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई होगी। एक गल होर इहदा मतलब स्पष्ट हो गया, जे मैं कहां घटा 3 इहदा उत्तर की होगा? बहुते की कर देंगे इहनूं घटा 3 घटा ले 6 जिवें जोड़ घटा करदे आपां उवें कर देंगे। जदों दो ब्रैकटां होण, दो ब्रैकटां विचाले कोई भी निशान ना होवे, एक ब्रैकट आ सी एक ब्रैकट आ सी, इहदे विचकार कोई भी निशान नहीं हैगा, तां समझ लो इहदे विचाले गुणा है। की समझना? इहदे विचकार गुणा है, तां असल दे विच घटा 3 दी गुणा घटा 3 नाल हो रही है, तां 3 दी गुणा 3 नाल 9 घटा दी गुणा घटा नाल प्लस, प्लस लाउंदी अगे लोड़ नहीं है। एक गल होर,
ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਬਿਨਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਆ 5 ਪਿਆ ਜੋੜ 6 ਪਿਆ ਘਟਾ 7 ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 3 ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਜੋੜ ਹੋਣਾ ਘਟਾ ਹੋਣਾ ਗੁਣਾ ਹੋਣਾ ਵੰਡ ਹੋਣਾ ਤਾਂ 3 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਹੈ ਹੁਣ एक तरीका है कि ब्रैकट पहले सारी हल कर दी ब्रैकट आप सारी हल कर दी जोड़ छे आ भी जोड़ता है जोड़ता 11 चो 7 कटे 4 तो इन हल करके इतने कुछ नहीं है अंदर बन गया 4 इतने कोई निशानी नहीं तो मतलब गुणा है 3 गुणा 4 12 पर जे ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ 5 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ 6 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ 7 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ 3 ਪਿਆ 5 ਜੋੜ 6 ਘਟਾ 7 ਤਾਂ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ 5 ਨਾਲ ਕਰਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ 6 ਨਾਲ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਘਟਾ ਲਾ ਲਓ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ 7 ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ 5 ਨਾਲ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ 6 ਨਾਲ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਘਟਾ 7 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ 15 18 21 15 ਤੇ 18 ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਜੋੜਦੇ 33 ਬਣ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਘਟਾ ਦਿਓ ਆਨਸਰ ਫੇਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 12 ਆ ਗਿਆ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਥ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਥ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਜੋੜ ਘਟਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਘਟਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੁਛ ਕੁ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਛੇਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੱਤਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਪਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਤਾ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਹੈ ਫੋਟੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ 9872738604 ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਈਜੀਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲਿੰਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੈਸ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿੰਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪ ਬਣਾ ਲਓ ਆਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਲਾਡਾ ਗਰੇਟੇ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਭੇਜਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
जो तक प्रैक्टिस नहीं करते मैथ नहीं आ सकता। उम्मीद करता कि अज का लैक्चर तुहानू भावे छोटिया गल्लां सी पर तुहाडे लई सच्ची मुची कम दीआं गल्लां सी। जे ये बेसिक गल्लां सीख लिया ता ही अगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज तुसी अगे नहीं बढ़ सकते। इन्हां नू सीखो। धन्यवाद।